माता ने हमारे लखनऊ के महापौर सुषमा खरकवाल जी रात 2 बजे यहाँ का मिलन रही, यहाँ छठ पूजा घूमे, यहाँ का देखत रही। बहुत ही ऊर्जावान हमारे मुख्य सचिव साहब दुर्गा शंकर मिश्रा जी वहाँ के लगातार कार्यक्रम और बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश पा वो आदेश के पूरे प्रदेश में फैलावे के और वो के क्रियान्वयन करावे खातिर यहाँ का निरंतर अपने ऊर्जा के सारा। माननीय प्रभुनाथ राय जी स्वागत बात सर, जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपकी। आइए आप सबके बीच में आज के माननीय मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, लगातार आशीर्वाद इस समाज के, इस भोजपुरी समाज के छठपाई के कृपा से। बुलडोजर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने वाले देश के सबसे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज का अखिल भारतीय भोजपुरी समाज दिल से स्वागत अभिनंदन करता है और वंदन करता है। छठ पूजा के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लखनऊ के महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री श्रीमती अर्पणा यादव जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी और वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच के बावजूद भारी संख्या में यहां पर उपस्थित छठ पूजा कार्यक्रम में उपस्थित है सभी भाइयों बहनों, आज यहां आयोजित छठ पूजा में आए के हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहा बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे, परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई का एक बड़ा भूभाग और जहां जहां भोजपुरी समाज है, यह छठ पूजा के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। यह मुख्य रूप से लोग इस सृष्टि के जो पिता हैं, भगवान सूर्य की उपासना का पर्व और इस उपासना के साथ छठी माई की पूजा बहुत कठिन व्रत है। 4 दिवसीय कार्यक्रम जिस निष्ठा के साथ और जिस आस्था के साथ माताएं बहनें आयोजित करती हैं, संपन्न करती हैं, सदग्रस्त इसमें सहभागी होता है, यह भारत की एक समृद्ध परंपरा को प्रतिनिधित्व करता हुआ आम आस्था को उजागर करता है। हमारा देश आस्था का देश है और यह आस्था हम सबको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम,
पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ता है। इस आस्था ने ही विपरीत परिस्थितियों में पूरे भारत को एकजुट करके रखा। आप याद करिए, मध्यकाल में जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया था, क्षतिग्रस्त किया था, अगर ये आस्था नहीं होती तो हम भी उन देशों की तरह जहां की सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई, वे देश अपनी परंपरा अपनी विरासत को भूल गए, खंडर पर